बहुत लोग मेरे पास में आते रहते हैं कि भाई याददाश्त नहीं रहती है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, और वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। मतलब चाबी कहाँ रखी, स्पेक्स कहाँ रखा, ये बातें लोग भूल जाते रहते हैं। दस्ती कहाँ है, मतलब हैंकरचिप कहाँ है, या कौन सी चीज़ कहाँ रखी, ये सब भूल जाते हैं लोग। ये देखो बच्चे जो है ना, उनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों बच्चों के दिमाग में बाकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। उसको क्या है, टेंशन कुछ भी नहीं है ना, ना उसको टैक्स भरने का है, ना पैसे कमाने का है, ना काम पे जाने का है, कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करना है, खेलना है। इसलिए बच्चों की मेमोरी अच्छी रहती है, क्योंकि दिमाग खाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसा वैसा दिमाग पूरा भर जाता है। काफ़ी सारे विचारों से, टेंशन से दिमाग भर जाता है। फिर भरने के बाद में क्या होता है कि जो नया हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अंदर रजिस्टर नहीं होता। इसलिए हमने जो भी काम कर रहे हैं वहाँ माइंडफुलनेस से करना चाहिए। माइंडफुलनेस मतलब 100% जो काम कर रहे हैं वहीं मौजूद रहना, बींग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। और बाकी जो काम कर रहे हैं, समझो अभी मोबाइल कहाँ रख दिया, याद नहीं रहता है, फिर ढूंढते बैठे मोबाइल 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 चालू हो जाता। चश्मा कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी, हैंकरचिप कहाँ रखी, कंघी कहाँ रखी, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी। इसलिए आप क्या करो कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ बार 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 लगती है उसकी जगह पक्की रखो, ताकि वो दूसरी जगह रखना ही नहीं है। मेरी चश्मा रखने की जगह पक्की है, यदि मैं निकालता हूँ तो मैं वहीं उसी जगह पे रखूँगा घर में, नहीं तो निकालूंगा ही नहीं। निकाला तो वहीं, पर्स, हैंकरचीफ, कंघी, चाबी, सब बिल्कुल वही जगह पे रखना है, ताकि आपको भूलने का मतलब ऐसे मौका नहीं आएगा कि भूल गए भाई। और याद रखने की जरूरत नहीं, मालूम है कि वहाँ है, जाके उठा लेना है। अब समझो आप भूल जाते हो कोई चीज़, याद नहीं आ रहा है तभी भी, तो फिर आप सम्मोहन अवस्था में जाके रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। सोचो 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 सोचो, उसको बोलते हैं हिप्नो थिंकिंग या हिप्नो एनालिसिस। सोचना है आखिरी मैंने चाबी कहाँ रखी थी लास्ट टाइम, या लास्ट टाइम जब मैं बाहर से आया कार से, फिर कहाँ गया, किचन में गया, ओके, फिर कहाँ गया बाद में, ऐसा एक 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 ट्रैक करना है। और देखो आपको समझ में आएगा कि आपकी चाबी कहाँ है, क्योंकि आपने देखा है और रखा भी है, वो ब्रेन में है। वो ब्रेन का जब आपको रिकॉल करना है, तो आप हिप्नोटिज्म की अवस्था में रिकॉल करो, आपको जल्दी रिकॉल हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये है मेमोरी एंड हिप्नोटिज्म। थैंक यू।